और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप सब बढ़िया होंगे। मैंने बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट, साथ में देखेंगे फिन निफ्टी, कल उसका एक्सपायरी भी रहने वाला है और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे जिनको आप कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो कल हमने डिस्कस किया ये ट्राइंगल के बीच में अगर ओपनिंग मिलता है तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा होल्ड करके कंटिन्यूशन करेगा तो हमने टारगेट एरिया 18,640 एंड 18,650 के लगभग टारगेट एरियाज प्लान किए थे, बट उस तरह का हमें ओपनिंग नहीं मिला। एक फ्लैट ओपनिंग मिलता तो मैं शायद एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़ा गैप अप देखने को मिला, जो टारगेट एरिया हमने प्लान किए थे वो टारगेट एरिया हमारे फर्स्ट टिक में हिट हुए। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट कहीं गया नहीं है, पूरा का पूरा दिन आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, रिसेंट हमने डिस्कस किया था ये एरिया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहेगा, इसके ऊपर कंसोलिडेट करके कंटिन्यूशन करता है तो अपसाइड आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेलिंग के लिए ये लेवल्स डिस्कस किए थे, 480 के नीचे क्लोज आएगा तब हम सेलिंग प्लान करेंगे। तो उसके बाद देखोगे तो ये लेवल्स हमारे देखने को नहीं मिले, हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिला, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट रहा, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक नो ट्रेडिंग जोन में रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम बना था, मॉर्निंग में निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग था, डे हाई भी ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ दिखा, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर का लेवल्स है यहाँ से काफी अच्छा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कल के लिए ये लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले, अगर मार्केट 18,650 या 645 के ऊपर क्लोज कर देता है, मीन्स ये लेवल्स के ऊपर क्लोज करके थोड़ा कंसोलिडेट करके कंटिन्यूशन करता है, तब आप अपसाइड के लिए कुछ प्लान कर सकते हो। ठीक है, डाउन साइड आज का लो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो आपका यहाँ पे 18,550 एक टारगेट एरिया रहेगा जो हमारा ट्रेंड लाइन रहेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन पे हॉल्ट करता है, हॉल्ट करने के बाद ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद जो आपका टारगेट एरिया रहेगा 18,520 18,510 ये आपका टारगेट एरिया रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप अग्रेसिव लॉन्ग करते हो तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कि 18,630 ठीक है, इसके ऊपर आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। ठीक है, टारगेट एरिया जो रहेगा आपका सेम रहेगा 18,650 की रेंज में। अगर आप अग्रेसिव शॉर्ट कर रहे हो, कल मार्केट आपको हल्का फुल्का गैप अप मिलता है तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एक नेकलाइन था जहाँ पे अभी के हिसाब से आप देखो। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी आपको दिख रहा है, तो एक बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन भी बन रहा है, तो ये एरिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप शॉर्ट प्लान कर रहे हो। ठीक है, ये लेवल रहेगा आपका 18,600 610 ये रेंज के लगभग, अगर आपको निफ्टी मिलता है तो आप वहां से शॉर्ट प्लान कर सकते हो। टारगेट एरिया जो रहेंगे आपके, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 18,580, सेकंड टारगेट आपका 18,550 रहेगा। उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करेगा तब आप नीचे के जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए वो भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर सेम रहा जो हमने कल डिस्कस किया था, ये लेवल्स के ऊपर हम बाइंग प्लान करेंगे। अगर आप अग्रेसिव बायर हो तो यहाँ इस लेवल के ऊपर आप बाय प्लान कर सकते हो। ये लेवल्स पे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम था, बट मॉर्निंग का मोमेंटम अगर आप देखोगे बहुत से लोग कैच नहीं कर पाते, तो उसके बाद आप देखोगे ये हमारा एक स्पोर्ट एरिया बन गया था, यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया इस एरिया को। उसके बाद आपको सेकंड हाफ में यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला जिसमें हमें सेल ऑफ मिला, बट सेम एक स्पोर्ट एरिया के लगभग ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ये स्पोर्ट एरिया को अगर आप मार्क करोगे तो इस तरह से आपका मार्किंग रहेगा। ठीक है, ये आपका स्पोर्ट एरिया रहेगा, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेजर बाइंग एरिया अब ये रहने वाला है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तभी आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आप प्लान करोगे लॉन्ग करना। ठीक है, टारगेट एरिया जो रहेंगे आपके 44,350 400 ये रेंज में आपके टारगेट एरिया रहने चाहिए। ठीक है, ऊपर आपका मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो रहने वाला है 44,450 की रेंज में रहने वाला है, तो ये एरिया के लगभग अगर आपको कोई बेरिश पैटर्न मिलता है, ठीक है, तब आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन को जो है स्केयर ऑफ करोगे। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में कुछ शॉर्ट प्लान कर रहे हो, अगर आप अग्रेसिव सेलर हो तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 44,160 170 ये रेंज में अगर आपको कल बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे आपको कोई भी बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से ये पुल बैक लेता है, यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। टारगेट एरिया जो रहेंगे आपके सेम रहेंगे 44,070 के लगभग, जहाँ पे आपको आज का लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर निकल जाता है फिर आपके टारगेट एरिया जो रहेंगे 43,950 एंड 43,900 ये रेंज में आपके टारगेट एरियाज रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिन निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिन निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, ये आपका फिन निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया है, के बाद आपका ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है निफ्टी।
है, ये एरिया काफी अच्छे से ऐसा स्पोर्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा होगा, इसको भी मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। ये आपका ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के लगभग आप प्राइस का रिएक्शन देखोगे कि प्राइस किस तरह का मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन के लगभग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया भी रहेगा, इसको भी आप मार्क कर लो। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया 19,520 के लगभग देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो 580 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आज का डे लो ब्रेक करेगा तब आप पहले ये ट्रेंड लाइन प्लान करोगे, 19,380 आपका एक टारगेट एरिया रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी आपको दिख रहा होगा, ये भी एज अ स्पोर्ट वर्क करेगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन यहाँ पे एज अ स्पोर्ट वर्क करेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में क्वांटिटी साइज कम रखना। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन करता है तब आप जो है न्यू शॉर्ट्स बना सकते हो, फिर आपके टारगेट एरिया जो रहेंगे 19,320-19,300 ये रेंज में आपके टारगेट एरिया रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक, ठीक है। फर्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें फर्स्ट टाइम यहाँ से अपसाइड देखने को मिला था, ठीक है। सेम एरिया के लगभग अभी भी इसने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेंज देखने को मिला, आज इसका रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर कल के दिन में आज के हाई के ऊपर फिर से निकलना स्टार्ट करेगा तो कंटिन्यूशन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके टारगेट एरिया 208.50 एंड सेकंड टारगेट एरिया जो रहेगा आपका 212 के लगभग रहना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 213.85 भी मार्क किया है, हो सकता है वो लेवल्स तक ना पहुंचे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल टॉप का फॉर्मेशन भी था, तो 209-210 ये रेंज के लगभग आपका टारगेट एरिया रहना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड आपका टारगेट जो रहेगा 1:2-1:3 आप यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चार्ट रहेगा हमारा लार्सन एंड टुब्रो एलटी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, ठीक है। इसको आप अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन जैसा पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आप इसको किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी जगह क्लोज किया है। अगर ये फिर से कल के दिन कंटिन्यूशन करता है तो आपको यहाँ पे 2300 ये टारगेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आज के हाई के ऊपर ये भी निकलता है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 10 से 12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 1:2 आप इसका भी टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टॉक रहेगा हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से 2 ट्रेंड लाइन्स के बीच में यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो ये टॉप पे आपको अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ भी टॉप पे रिजेक्शन देखा, यहाँ भी रिएक्शन एंड यहाँ भी रिएक्शन देखने को मिला है, ठीक है। एंड बेरिश कैंडल्स का भी कुछ फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक मदर कैंडल था, उसके बाद बेबी कैंडल बीच में, उसके बीच में फिर से आपको बेबी कैंडल देखने को मिला, तो आज के दिन में यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है, लगभग 2.9% का मोमेंटम ऑलरेडी ये कर चुका है। तो अगर कल फिर से ये फ्लैट ओपनिंग के बाद डे लो को फिर से ब्रेक करता है तो आपको फिर से यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। 5 या 6 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 1:2 आप अपना टारगेट प्लान करो, ठीक है। फोर्थ स्टॉक रहेगा हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ भी आपको एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज के दिन में इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो कल भी अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेकडाउन करेगा तब आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। 8-9 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड 1:2 आप अपना टारगेट प्लान करो, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो अवॉइड करना, गैप डाउन हो जाएगा, बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो उसको आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के बाद ही वो वाला मोमेंटम आपको मिलेगा जिस तरह का मोमेंटम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा, फ्रेश शॉर्ट्स बनेंगे या फ्रेश लॉन्ग्स बनेंगे, उसमें आपको वो वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।